ये भक्तों, प्रभु का ध्यान करते हुए आज हम तीसरे दिन की कथा का श्रवण करते हैं। पहले दो दिन में हमने सुना कि हमारे हनुमंतलाल जी महाराज किस तरह से समुद्र को पार किया और किस प्रकार से लंका में प्रवेश किया, और लंका में विभीषण जी से उनकी मित्रता होती है। विभीषण जी से माता सीता का उन्होंने समाचार प्राप्त किया और फिर आगे माता सीता के पास जाकर प्रभु की अंगूठी को दिया और प्रभु का संदेश माता सीता को सुनाया, जिससे माता प्रसन्न होकर हनुमान जी को अजर और अमर होने का आशीर्वाद दिया, जिससे हनुमान जी प्रेम में मग्न हो गए आशीर्वाद प्राप्त करके। अब कथा आगे की। हनुमान जी ने बार बार सीता जी के चरणों में सिर को झुकाया भक्तों, फिर हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अब मैं धन्य हो गया आपके आशीर्वाद से। आपका आशीर्वाद अमोघ है, अचूक है, यह बात पूरे प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, सुंदर फलों के वृक्षों को देखकर मुझे बड़ी भूख लग रही है। सीता जी ने कहा, हे पुत्र, सुनो, यहाँ बड़े बड़े राक्षस इस वन की रखवाली करते हैं, जो ये तुम फल देख रहे हो, इसलिए आप कैसे इसके अंदर जा सकते हो। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, यदि आप मन में सुख माने तो आज्ञा दें तो मैं इन दुष्टों को अभी ही नष्ट कर दूंगा और इनका मेरे को बिल्कुल भी भय नहीं है। इस तरह से हनुमान जी महाराज सीता जी से बोले। भक्तों, हनुमान जी की बुद्धि और बल को देखकर माता जानकी ने कहा कि हे पुत्र, तुम जाओ और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को हृदय में धारण करके मीठे फल को खाओ। हमारे हनुमंतलाल जी महाराज सीता जी के चरणों में मस्तक को झुकाकर बाग में घुस गए और फल को खाने लगे और वृक्षों को तोड़ने लगे। वहाँ बहुत से योद्धा रखवाले थे जो वन की रक्षा करते थे। उनमें से कुछ को हनुमान जी ने मार डाला और कुछ जाकर रावण से पुकार लगाई और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी बंदर बगीचे में आ गया है और उसने अशोक वाटिका को उजाड़ डाली है, फल खाए हैं, वृक्षों को उखाड़ डाला और हम लोगों को मसल मसल कर जमीन में डाल दे रहा है। यह सुनकर रावण ने बहुत से योद्धा भेजे। भक्तों, उन्हें देखकर हनुमान जी गर्जना की। हनुमान जी की ने सब राक्षसों को मार डाला, कुछ को अधमरे छोड़ दिया जो चिल्लाते हुए फिर से रावण के पास आकर दुहाई देने लग गए। फिर रावण ने अक्षय कुमार अपने पुत्र को भेजा, वह असंख्य श्रेष्ठ योद्धाओं के साथ चल पड़ा। भक्तों, उसे आते देख हनुमंतलाल जी महाराज एक वृक्ष पर चढ़ गए और हाथ में एक वृक्ष को उखाड़ कर ललकारा और अक्षय कुमार को मार डाला और मारकर महाध्वनि से जोर जोर से गर्जना की। उन्होंने सेना के बहुत से योद्धाओं को मार डाला और कुछ को मसल डाला और कुछ को पकड़कर धूल में मिला दिया। कुछ ने फिर भागते हुए अपने जान को बचाया और भागते हुए रावण के पास आए और बोले, हे नाथ, बंदर बहुत बलवान आया हुआ है। पुत्र का वध सुनकर रावण क्रोध में भर गया भक्तों और क्रोधित हो उठा और उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र जो महाबलवान था मेघनाद, उसको भेजा और कहा कि हे पुत्र, उस बंदर को मारना नहीं, उसे बांध कर लाना। उस बंदर को देखा जाए कि वो कहाँ से आया है जो इतना बलशाली है। इंद्र को जीतने वाला अतुलनीय योद्धा मेघनाद चला भाई का वध जानकर क्रोध में भरा हुआ। हनुमान जी ने देखा कि अब की भयानक और योद्धा आ रहे हैं, तब वे कटकटा कर गरजे और दौड़े।
उन्होंने एक बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ा भक्तों, और उसके प्रहार से लंकेश रावण के पुत्र मेघनाथ को बिना रथ के कर दिया। रथ को तोड़कर उसे नीचे पटक दिया। मेघनाथ को उसके साथ जो बड़े बड़े योद्धा आए हुए थे उनको पकड़ पकड़ कर हनुमान जी अपने शरीर में मसलने लगे। उन सब को मारकर फिर मेघनाथ से लड़ने लगे। लड़ते हुए वे ऐसे मालूम हो रहे थे मानो दो गजराज, दो बड़े योद्धा हाथी भिड़ गए हों। हनुमान जी उसे एक घूंसा मारकर एक वृक्ष पर जाकर चढ़ गए। उसको एक क्षण के लिए मूर्छा गई। मेघनाद एक क्षण के लिए मूर्छित होकर गिर पड़ा भक्तों। फिर उठकर उसने बहुत प्रकार की माया रची, परंतु पवन पुत्र उससे जीते नहीं जा रहे थे। अंत में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का संधान प्रयोग कर दिया भक्तों। तब हनुमंत लाल जी ने मन में विचार किया कि यदि आज मैं ब्रह्म अस्त्र को नहीं मानता हूँ तो फिर इस ब्रह्म अस्त्र की महिमा मिट जाएगी। हनुमंत लाल जी ने ब्रह्म बाण को देखकर स्वयं ही उसको स्वीकार कर लिया और वृक्ष से नीचे गिर पड़े। ऐसे ही हमारे हनुमंत लाल जी महाराज हैं जो प्रभु के कार्य के लिए स्वयं बंधन में पड़ गए, परंतु गिरते समय उन्होंने भी बहुत सी सेना को अपने शरीर के नीचे दबा दी, अपने शरीर को विशाल कर दिया और बहुत सी सेना मेघनाथ की मर गई। जब उसने देखा कि हनुमान जी मूर्छित हो गए हैं मेघनाथ ने, तब वह उनको नागपाश में बांधकर अपने लंका लेके आया। भक्तों, शिव जी कह रहे हैं, हे भवानी, हे उमा, सुनो, जिसका नाम जप कर ज्ञानी विवेकी मनुष्य संसार सागर के जन्म और मरण के बंधन से पार हो जाते हैं, इस जन्म बंधन का आवागमन छूट जाता है, उनका दूत कभी बंध सकता है क्या? किंतु हनुमंत लाल जी महाराज प्रभु के कार्य के लिए स्वयं अपने आप को बंधवा लिया, ऐसा शिव जी कह रहे हैं अपने भवानी उमा से। भक्तों, आप सुनिए, बड़े ही सरल भाव से इस कथा का श्रवण करें, प्रभु जरूर ही आपके ऊपर कृपा करेंगे। बंदर का बंधा हुआ जान दौड़ दौड़ कर राक्षस आए और इस तरह से उनको उत्सुकता हो रही थी कि जैसे कोई जादू दिखाने वाला आया हो, तमाशा देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सब सभा में जहाँ पर हनुमान जी को लाया गया था, सब दौड़ दौड़ कर वहाँ पर इकट्ठा हो गए और हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा को देखा और अत्यंत प्रभुता और ऐश्वर्य से युक्त थी, वो कहीं नहीं जा सकती है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस तरह से लिखा है, देवताओं और दिक्पाल हाथ जोड़े रावण की सभा में विनम्रता पूर्वक वहीं पर नतमस्तक हुए, भयभीत होकर खड़े हैं। सब रावण की भौं को देख रहे हैं, भ्रिकुटी को, कि कब ये क्रोधित हो जाए और कुछ दंड दे दे। सब हाथ जोड़े वहां पर खड़े हैं। उसका ऐसा प्रताप देखकर भी हनुमान जी मन में बिल्कुल भी बिना डरे हुए इस तरह से खड़े हैं वहां पर निशंक होकर, जैसे तमाम सर्पों के बीच में एक निडर गरुड़ खड़ा होता है। ये प्रभु के भक्ति का प्रताप जो हनुमंत लाल जी महाराज के साथ है। भक्तों, इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग भगवान के चरणों में हनुमंत लाल जी की तरह भक्ति करिए, हनुमंत लाल जी की सेवा में लग जाइए। हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता हुआ खूब हंसा और फिर पुत्र का अपने वध सुनकर फिर से उसको दुख उत्पन्न हो गया, मन में दुखी हो गया। लंकापति रावण ने कहा, रे बानर, तू कौन है? किसके बल पर तूने वन को उजाड़ कर नष्ट कर डाला? क्या तूने कभी मेरा नाम और यश नहीं सुना है? हे सठ बानर,
मैं तुझको अत्यंत निशंक देख रहा हूँ, बिल्कुल तुझको कोई शंका नहीं है और मेरे सभा में खड़ा होकर भी तू डर नहीं रहा है। तूने किस अपराध से राक्षसों को मारा है? रे मूर्ख, बात क्या है, तुझे क्या अपने प्राणों का भय नहीं है? हनुमान जी ने कहा, भक्तों, हे रावण सुन, जिसका बल पाकर माया संपूर्ण ब्रह्मांडों के समूहों की रचना करती है, जिनके बल से जगदीश, ब्रह्मा, विष्णु और महेश क्रमशः सृष्टि का सृजन, पालन और संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्रमुख फनों वाले शेषनाग जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को अपने सिर में धारण किया हुआ है, जो देवताओं की रक्षा के लिए नाना प्रकार की देह धारण करते हैं और जो तुम्हारे जैसे मूर्खों को शिक्षा देने के लिए, दंड देने के लिए बार बार यहाँ पर जन्म लेते हैं, जिन्होंने शिव जी के कठोर धनुष को तोड़ डाला और उसी के साथ जो बड़े बड़े अभिमानी राजा थे, जिनको बहुत ज़्यादा घमंड था, उनका घमंड चकनाचूर कर दिया, जिन्होंने खर दूषण और त्रिशिरा और बाली को क्षण में ही मार डाला, जो सब के सब बहुत बलवान थे, जिनके लेश मात्र बल से तुमने समस्त चराचर जगत को जीत लिया है और जिनकी प्रिय पत्नी तुम उनके न रहने पर चोरी से हर के लेके चले आए हो। मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब सुन चुका हूँ, मैं तुमको बहुत अच्छे से जानता हूँ। सहस्त्रबाहु से जब तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से जब तुम्हारा युद्ध हुआ था, उस यश को मैं बहुत अच्छे से सुना हूँ। हनुमान जी के इस तरह के वचन को सुनकर रावण हंसने लगा और बात को टालने की कोशिश करने लगा। हे दशानन, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फलों को खाए, और बंदर का स्वभाव होता है कि वृक्षों को तोड़ देते हैं, इसलिए मैंने वृक्षों को तोड़ा, और जिस पर ये तुम्हारे दुष्ट निशाचर जो वहाँ पर थे वो मेरे को मारने लगे, और सबका शरीर अपने को बहुत प्रिय होता है, इसलिए ये कुमार्ग में चलने वाले जो दुष्ट राक्षस हैं, जब मुझको मारने लगे, तब जिन्होंने मुझे मारा मैंने उन्हीं को मारा है, उस पर तुम्हारे पुत्र ने मुझे बांध कर यहाँ लाया है, किंतु मुझे अपने बांधे जाने की बिल्कुल भी लज्जा नहीं है। मैं तो अपने प्रभु का कार्य करना चाहता हूँ और कार्य करने के लिए यहाँ पर बंध कर आया हूँ। इस तरह से हमारे हनुमंत लाल जी भक्त हैं। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ, तुम अभिमान को छोड़कर मेरी बात को मान लो, तुम अपने पवित्र कुल का विचार करके देखो और अपने भ्रम को छोड़कर भगत भयहारी प्रभु श्री राम को भजो, जो देवता, राक्षस और समस्त चराचर को खा जाता है, वह काल भी जिनके डर से अत्यंत डरता है, उनसे कदापि बैर न करो और मेरे कहने पर ही सीता जी को दे दो। इस तरह से हनुमंतलाल जी रावण को बता रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की शरणागत होकर उनसे अपने प्राणों की रक्षा मांग लो, वो दया के समुद्र हैं, शरण में जाने पर प्रभु तुम्हारा अपराध पीछे का भूलकर तुम्हें अपनी शरण में रख लेंगे। तुम श्री राम जी की चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करो और लंका में बहुत समय तक अचल होकर राज्य करो, और अपने कुल का ऋषि कुलस्थ जी का यश निर्मल करो, उसमें चंद्रमा के सामने जैसे कलंक होता है उस तरह से तुम कलंक ना बनो अपने कुल का। राम नाम के बिना वाणी की शोभा नहीं होती है भक्तों, उसी तरह से तुम अपने मद मोह को छोड़कर विचार करके देख लो। हे दशानन, जिस तरह से सब गहनों से सजी हुई सुंदर स्त्री भी बिना कपड़ों के शोभा नहीं पाती है,
उसी तरह से राम से जो बैर करते हैं, विमुख होते हैं, ऐसे पुरुषों की संपत्ति और प्रभुता चली जाती है और उनका पाना न पाने के समान ही हो जाता है। जिस तरह से नदियों के मूल में कोई जल स्रोत अगर नहीं होता है, उनसे कोई और नदियां नहीं जुड़ी होती हैं, वे केवल बरसात के समय ही अपने अंदर जल को धारण कर पाती हैं और जैसे वर्षा बीत जाती है तो वो फिर से सूख जाती हैं। उसी तरह से हे रावण, तुम भी बिना प्रभु के भक्ति के तुम्हारा भी समूल नाश हो जाएगा, तुम्हारा भी सर्वनाश हो जाएगा। इस तरह से हनुमान जी महाराज ज्ञान दे रहे हैं रावण को और कह रहे हैं, हे रावण सुनो, मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूँ कि राम से अगर तुम विमुख होते हो, शत्रुता करते हो, तो तुम्हारी रक्षा करने वाला पूरे संसार में कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि शंकर और विष्णु और ब्रह्मा देवता भी श्री रामचंद्र जी के साथ द्रोह करने वाले को, शत्रुता करने वाले को नहीं बचा सकते हैं, ऐसा मैं तुमको विश्वास से कह रहा हूँ। मोह जिसका मूल कारण है, ऐसे अज्ञान जनित बहुत पीड़ा देने वाले तम रूप अभिमान को तुम त्याग दो। तुम्हारे अंदर जो अभिमान भरा हुआ है उसको छोड़ दो। हे दशानन, रघुकुल के स्वामी कृपा के समुद्र के रूप में श्री रामचंद्र जी का तुम भजन करो। यद्यपि हनुमान जी ने भक्ति, ज्ञान और वैराग्य और नीति से सनी हुई बहुत सी हितकर वाणी को रावण को कही, तब भी वो अभिमानी नहीं माना और रावण बहुत ही व्यंग के साथ हंसते हुए बोला कि हमें आज यह बंदर बहुत बड़ा गुरु मिल गया है, ज्ञानी मिल गया है। हे दुष्ट बंदर, तेरी मृत्यु निकट आ गई है, तू अधम है, मुझे शिक्षा देने चला है। हनुमान जी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ ही उल्टा होगा, अर्थात तुम्हारी मृत्यु ही लग रहा है कि निकट आ गई है, मेरी नहीं। यह तुम्हारे मति का भ्रम हो रखा है दशानन, मैं प्रत्यक्ष जान रहा हूँ कि तुम्हारी बुद्धि उल्टी हो गई है, इसलिए तुमको इस तरह मेरी बातें लग रही हैं। इस तरह से हनुमंत लाल जी महाराज समझा रहे हैं भक्तों रावण को। हनुमान जी के वचन को सुनकर वह बहुत ही कुपित हो गया, क्रोध में भर गया और बोला, हे मूर्ख, क्या तुझको प्राणों की कोई चिंता नहीं है, और शीघ्र ही अपने प्राणों को क्यों खोना चाहता है, इसका क्यों कोई प्राण नहीं ले रहा है। सुनते ही सभी राक्षस हनुमान जी को मारने के लिए दौड़े। भक्तों, उसी समय प्रभु कृपा से मंत्रियों के साथ विभीषण जी वहां पर आ पहुंचे। उन्होंने सिर को झुकाकर और बहुत विनय पूर्वक हाथ जोड़कर रावण से कहा कि दूत को मारना, किसी का जो संदेश लेकर आया है उसको कभी नहीं मारना चाहिए, यह नीति विरोध होगा। हे भाई, कोई दूसरा दंड दिया जाए। सब ने कहा कि यह सलाह उत्तम है। यह सुनते ही रावण हंसकर बोला, अच्छा तो इस बंदर को अंग भंग करके इसको लौटा दो, भेज दो। मैं सबको समझा कर कहता हूँ कि बंदर की जो ममता होती है वह पूंछ पर होती है, ऐसा रावण कह रहा है। अतः इसमें तेल में डुबोकर इस पूंछ को इसके ऊपर कपड़ा बांध दिया जाए और फिर उसमें आग लगा दी जाए। जब बिना पूंछ का यह बंदर जाएगा अपने स्वामी के पास, तब यह मूर्ख अपने मालिक को साथ लेकर आएगा, जिनकी इसने बहुत बड़ी बड़ाई की है। मैं जरा उनकी प्रभुता को, सामर्थ्य को देखूं तो कि वो कौन हैं इतने जिनकी बड़ाई कर रहा है यह बंदर। यह वचन सुनते ही हनुमान जी मन में मुस्कुराने लगे और मन ही मन माँ सरस्वती को प्रणाम करने लगे और बोले कि हे माता, मैं अब जान गया कि ऐसी बुद्धि आपने ही दिया है, इसमें सहायक हुई हैं कि रावण को ऐसी बुद्धि आप दे रही हैं। रावण के वचन को सुनकर मूर्ख राक्षस वहीं
पूंछ में तेल लगाकर कपड़ा बांधने लगे और पूंछ के कपड़ा लपेटा, इतना लपेटा और घी इतना लगाया कि नगर में एक भी कपड़ा और घी तेल शेष नहीं रह गया। हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि उनकी पूंछ लंबी हो गई। भक्तों, प्रभु की कृपा से नगरवासी लोग तमाशा देखने आए, वे हनुमान जी को पैरों से ठोकड़ मार रहे हैं और सब ताली बजाकर हंस रहे हैं और ढोल बजाते हैं, सब लोग तालियां पीटते हैं। हनुमान जी को नगर में फिराकर फिर पूंछ में आग लगा दी गई। भक्तों, अग्नि को जलते हुए हनुमान जी तुरंत ही छोटा सा रूप धारण कर लिया और बंधन से निकल गए जिसमें बांधे थे। वे सोने की अटारियों पर जा चढ़े। उनको देखकर राक्षसियों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 तरह के पवन बड़े जोर जोर से हवा चलने लगी। हनुमान जी अट्टहास करके गरजे बहुत तेज से और बढ़कर आकाश में, ऐसा लगा कि जैसे आकाश से जा रहे हैं, उस तरह से बड़ी वेग से हनुमान जी वहां से चले। देह बड़ी विशाल परंतु बहुत ही हल्की हो गई। वे दौड़कर एक महल से दूसरे महल पर जाके चढ़ जाते थे। नगर जलने लगा, लोग बेहाल हो गए। आग की करोड़ों भयंकर लपटे चारों ओर फैल गई। पल भर में पूरे महल में आग लग गई और हाय बप्पा मच गया चारों तरफ। इस अवसर पर हमें कौन बचाएगा, यही चारों तरफ आवाज़ सुनाई देने लगी। हमने तो पहले ही कहा था कि यह बंदर नहीं है, कोई बानर का रूप धरकर कोई देवता ही आया है। जब कार्य गड़बड़ा जाता है तो सब सीख देने वाले हो जाते हैं कि मैं पहले से जानता था कि यह ऐसा है। पहले कोई नहीं देता बिना प्रभु की कृपा के। साधुओं के अपमान का यही फल है कि नगर अनाथों के जैसा ये नगरी जल रही है और कोई बचा नहीं पा रहा है। हनुमान जी ने एक ही क्षण में सारा नगर जला डाला। केवल एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया। भक्तों, शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती, जिन्होंने अग्नि को बनाया हनुमान जी उन्हीं के दूत हैं, इसी कारण से अग्नि से नहीं जले हैं। हनुमान जी ने उलट उलट कर चारों तरफ एक से दूसरे ओर दौड़ दौड़ कर पूरी सारी लंका में आग लगा दी। फिर वे समुद्र में कूद पड़े। भक्तों, पूंछ बुझाकर थकावट दूर करके और फिर छोटा सा रूप धारण कर हनुमान जी श्री जानकी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भक्तों, आप लोगों को कथा कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे की कथा जिससे आप सुन पाएँ। मैं पूरी कथा को इतने सरल भाषा में सुनाऊंगा और समझाने की कोशिश करूंगा कि आप लोग बड़े ही आसानी से सुन पाएँ। मैं इसमें इसीलिए ज़्यादा आपका समय नहीं ले रहा हूं कि चौपाई दोहों को नहीं इसमें पढ़ रहा हूं कि जिससे आप समझ पाएँ। इसलिए आगे की कथा का आप श्रवण करें। हनुमान जी ने कहा, हे माता, मुझे कोई पहचान दीजिए जैसे श्री रघुनाथ जी ने दिया था। तब सीता जी ने अपनी चूड़ामणि उतार कर श्री हनुमंत लाल जी को हर्षपूर्वक दे दिया। भक्तों, और हनुमंत लाल जी बड़े प्रेम के साथ उस चूड़ामणि को ले लिए। जानकी जी ने कहा हनुमान जी से कि मेरा प्रणाम प्रभु को करना और इस प्रकार कहना कि हे प्रभु, आप सब प्रकार से पूर्ण हैं, आपको किसी चीज़ की कामना नहीं है, तब भी आप दीनों के दुखों पर दया कीजिए और जो दुखी हैं उनके दुख को दूर करें। अतः उसी दुखों के साथ मैं भी यहाँ पर हूँ, इसलिए हे नाथ, आप ही मेरा इस संकट को दूर करने की कृपा करें। उनको याद दिलाना कि जिस तरह से इंद्र के पुत्र जयंत को अपने बाणों का प्रताप दिखाया था, उस घटना का
प्रभु को स्मरण दिलाना। यदि प्रभु महीने भर के भीतर नहीं आए तो फिर मुझे जीते जी वो नहीं पाएंगे। भक्तों, आज की कथा का यहीं पर हम विश्राम करते हैं। तीसरे दिन की, चौथे दिन की कथा फिर से आप लोगों को सुनाऊंगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और कमेंट करें कि आपको कैसी कथा लग रही है। जय श्री राम भी लिखें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे सब लोग इस सरल कथा को बहुत ही भाव के साथ सुन पाएं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।